नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है अग्निपथ स्कीम के तहत रैली भर्तियां जो है आयोजित हो रही है, जो कि अलग अलग स्टेट अलग अलग शहरों में हो रही है। तो जिसका डिटेल्स आपको कहाँ पर मिलेगा और रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, जो नई नई जानकारी है, मतलब कौन से फॉर्म चल रहे समय अग्निपथ रैली के, इसकी जानकारी आपको सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार.com। साथ ही साथ वीडियो में हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी चेक करके बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे खोलेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार.com पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक टैब दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है अग्निपथ। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको मार्क कर दिया है अग्निपथ। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी लेटेस्ट रैली के नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे, जो भी रैली के प्रोग्राम चल रहे हैं वो मिल जाएंगे। आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो वो भी चेक कर सकते हैं। सीधा हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे, यानी यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, आपको किसी रैली के लिए अप्लाई करना है, तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी जानकारी है जिसको कि आपको जो है पढ़ना है, जिसमें आपको जानकारी दी हुई है कि इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो की, उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आप किस स्टेट से जो बिलोंग करते हो। तो जैसे मैं जो है राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ राजस्थान कर दूंगा। यहाँ पे पूछे आपके आधार कार्ड नंबर या तो फिर आपके पास इनरोलमेंट नंबर, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड पे आपका नाम लिखा है वो नाम आपको डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है। देख सकते हैं मैंने पिता का नाम डाल दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है अपनी मदर नेम यानी माता का नाम डालना है। आपको अपनी जन्म तिथि यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे डालनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि डाल देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है। ये दोनों चीज डालने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। ये जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को एज इट इज आपको जो है यहाँ पे डाल देना है और सबमिट करके आगे बढ़ना है। तो चलिए सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ेंगे तो बता दें आपकी जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको डालना है। यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, उस कैप्चा को यहाँ पे डालना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। इनकेस अगर आपको ओटीपी नहीं आता है तो आपको अगेन जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी डाल के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ जानकारी भरनी है। जैसे आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है, आपको आपकी हाइट कितनी है वो आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी हाइट डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका स्टेट जो होम स्टेट जो है आ जाएगा। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देनी है। आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सी है, तो मैं यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट अपनी देख लेता हूँ कौन सी है। यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट मैं देख रहा हूँ, अगर आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। थोड़ा नीचे चलते हैं। जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है। यहाँ पूछा आप क्लास 10 जो है पास आउट है, क्या अपीयरिंग है, अगर आप पास आउट है तो आप किस बोर्ड से है, सीबीएसई आईसीसी, अगर आप यूपी बोर्ड से है, किसी भी स्टेट बोर्ड से है तो आपको स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे राज्य का नाम लिख देना है किस राज्य से आप है। यहाँ पे आपको अपना क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है, जो पासवर्ड जो है कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड जो है बना देता हूँ 8 कैरेक्टर का, जिसमें एक कैप्चा लेके स्मॉल सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, उस कैप्चा को आपको एज इट इज़ जो है डालना है और सेव करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा, किस स्टेट के लिए करना है, ये एलिजिबिलिटी चेकिंग का है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी और इसी के नीचे यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी को ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी समय रैली की भर्तियाँ चल रही है वो सारी ऑप्शन खुल जाएगी। उसके ठीक सामने आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, जहाँ से आपको इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये था एप्लीकेशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करने का। बाकी आपको चीज़ और बता देता हूँ, जो भी आप फॉर्म आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर रहेगा। जो आवेदन आप कर चुके हैं उसका भी आप इसको एप्लीकेशन में देख सकते हैं। जानकारी